नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलदार, आप देख रहे हैं स्टूडियो व्लॉग्स। दोस्तों, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को क्यों करना है? देखिए, दो तरीके का लुक होता है। कोई लोग बहुत मोटा होता है, पतला होने के लिए सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाते, और बहुत लोग है जो लोग बहुत ही पतला होते हैं, ज्यादा ही पतला होते हैं, वो गेन करने के लिए सोचते हैं, वो लोग भी नहीं पाते प्रॉपर तरीके से करने के लिए। देखिए, इधर एक सिंपल सा फंडा है। देखिए, अगर आपका वेट ज्यादा है, आप मोटा है लेकिन आप खुश है, आपको कोई टेंशन नहीं हो रहा है जब मेरा वेट ज्यादा है, आप बाहर जा पा रहा है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है सही तरीके से, आपको कोई फील नहीं हो रहा है जब मेरा वेट ज्यादा है कुछ है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जस्ट मूव ऑन, यू आर फाइन। बट कोई लुक है जो लोग, देखिए, बहुत ज्यादा वेट है, मोटा है बहुत, लेकिन वेट यू नो घटाने के लिए सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, इनसिक्योर फील होता है, सही से फोटो खींच नहीं पाते, फ्रेम में फोटो अच्छा नहीं आते हैं। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? हम लोग जस्ट सोचते हैं जो हम लोग का वेट ज्यादा है, कम करना है, वेट किस बात का है भाई? आप जस्ट सोचना बंद कर दीजिए, गो एंड गेट योर ब्लडी चेंज। आपको ट्रांसफॉर्म होना है, वेट घटाना है, आप बैठ क्यों रहा है? आपको कोई मोटिवेट करेगा बाहर से आके, आप जाओ जिम जाओ, वर्कआउट करो, आपका वेट कम होगा, बॉडी प्रॉपर शेप मिलेगा आपको, वो कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। देखिए, बाहर से जो मोटिवेट मिलता है आपको कुछ वीडियो देख के, कोई भी मतलब आपका फ्रेंड कोई मोटिवेट करे, वो सिर्फ दो दिन, मैक्सिमम दो दिन चलने वाला है भाई। जो असली मोटिवेट होता है वो अपने आपको मतलब सेल्फ मोटिवेट करना होगा। आप मेंटली यू नो यू हैव टू प्रिपेयर बाय मेंटली। देखिए, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास एक यू नो पक्की वजह होना चाहिए। वजह कुछ भी हो सकता है, आप यू नो जब आपका मन नहीं करेगा जिम करने के लिए, कुछ बाहर वर्कआउट करने के लिए, तो आपका जो वजह होगा ना वो आपको मोटिवेट करेगा। तो देखिए, वेट लॉस जर्नी में डाइट का एक बहुत बड़ा फंडा होता है, आपको तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अगर आपको एक प्रॉपर शेप लाना है, इफ यू वांट टू यू नो गेट द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा भाई। कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस जरूरी होता है। तो देखिए, जो डाइट का जो फंडा है वो बहुत बड़ा मायने रखते हैं। देखिए, फास्ट फूड, जंक फूड, स्वीट, आइसक्रीम, वो सब तो हम लोग को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा वेट लॉस जर्नी में। देखिए, हम लोग का स्टोमक कोई डस्टबिन नहीं है, जो हम लोग जो देख रहे हैं, मतलब थोड़ी टाइम टेस्टी के लिए हम लोग खा रहा है, नो उसका जो आउटफिट है वो बहुत डेंजरस होता है, तो हम लोग को तो वो चीज सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप सोचिए मत, जस्ट अभी से स्टार्ट कीजिए, आपका जर्नी स्टार्ट कीजिए, आप बाहर जाइए, वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट स्टार्ट करिए, आप जिम करो, रनिंग में जाओ, वॉकिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन यू नो आपको जस्ट कम करना है, और वो आप ही कर सकते हैं। फिर डाइट वगैरह मेंटेन रखिए, जंक फूड, फास्ट फूड, वो सब से दूर रहिए, मतलब थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी दिन इन द सेंस जो वेट लॉस का प्रोग्राम होगा ऑलमोस्ट जब आप मतलब प्रॉपर शेप में आ जाओगे, तब से फिर से आप मतलब जब कंटिन्यू करोगे, जिम आपका कंटिन्यू रहेगा, तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सब छोड़ देना, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना, तो भी आपको एक प्रॉपर शेप मिलेगा, एक प्रॉपर बॉडी मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर डाइट प्लान फॉर वेट लॉस आपको जानने को मिलेगा। तो इतना ही था दोस्तों आज वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा।